नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फार्मेसी ज्ञान पर। दोस्तों, जैसे कि हमने लास्ट वीडियोस में जो बेंजीन एनिड्स डेरिवेटिव के टॉपिक्स रिएक्शंस ऑफ बेंजीन के बारे में डिस्कस किए थे, तो जिसमें हम देखे थे हैलोजिनेशन, सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन एंड नाइट्रेशन के बारे में, तो जिसमें हमने उसके स्टेप्स के बारे में भी डिस्कस किए थे। तो उसके नेक्स्ट टॉपिक जो फ्रेडिल क्राफ्ट असाइलेशन एंड अल्कालेशन है, तो उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि उसके ही पार्ट्स हैं, तो जिसमें हम उसके लिमिटेशन एंड उसके जो स्टेप्स हैं, मैकेनिज्म्स हैं, उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को भी प्रेस करें। एंड दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट नोट्स, अगर आप फार्मेसी रिलेटेड कोई भी बुक्स खरीदना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दी हुई लिंक सब खरीद सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देर के आज की इस वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्राइडल क्राफ्ट अल्कालेशन एंड फ्राइडल क्राफ्ट असाइलेशन, तो जिसमें हम उसके लिमिटेशन एंड मैकेनिज्म के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे फ्राइडल क्राफ्ट अल्कालेशन। तो जब एक अल्कल सब्स्टिट्यूट बेंजीन जैसे टोलिन, तो अल्कल सब्स्टिट्यूट यानी एक बेंजीन में जब अल्कल ग्रुप अटैच होता है तो वही प्रोडक्ट अगर हम फॉर्मेशन करते हैं तो हम फ्राइडल क्राफ्ट अल्कालेशन को यूज़ करते हैं। जैसे इस डेफिनेशन के जरिए आप समझ सकते हैं, यूजफुल इन द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बाय द रिएक्शन बिटवीन बेंजीन एंड द सूटेबल अल्काइल हैलाइड्स बाय यूजिंग लुईस एसिड, कैटलिस्ट एल्युमिनियम क्लोराइड एंड BF3 एंड फेरिक क्लोराइड एक्सेट्रा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बेंजीन है वो अल्काइल हैलाइड्स, अल्काइल क्लोराइड जो है, यहाँ पर अल्काइल क्लोराइड है, तो हम एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड को यहाँ पर यूज़ किया है एंड जो कि हम कैटलाइज़ के तौर पर बेरियम फ्लोराइड या फिर फेरस क्लोराइड को भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने AClIII यानी एल्युमिनियम ट्रक्लोराइड को हम यूज़ किया है, जो कि एक अल्काइल बेंजीन बन जाता है। तो ये जो है डायरेक्ट रिएक्शन है, तो इसके मैकेनिज्म के बारे में देखेंगे, इसके कुछ स्टेप्स के बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है एक अल्काइल क्लोराइड, जो कि अल्काइल क्लोराइड अगर अल्काइल हैलाइड्स जिसे हम कहते हैं अल्काइल हैलाइड्स, जो अगर एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड यानी एनहाइड्रस AlCl3 के साथ रिएक्ट करता है तो पोलराइज्ड, जो कि पोलराइज्ड अल्काइल हैलाइड्स इलेक्ट्रोफाइल बनता है। तो इसके लेफ्ट में पॉजिटिव एंड राइट में नेगेटिव चार्जेस है, जो कि एक पोलराइज्ड है। नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ एन इंटरमीडिएट, तो इंटरमीडिएट जब फॉर्मेशन होगा यानी इंटरमीडिएट यानी कार्बोकैटायन, जब बेंजीन की जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होती है वो इसके पॉजिटिव पोलराइज्ड में जब अटैच होती है अल्काइल ग्रुप के साथ, तब जो है ये कार्बोकैटायन बन जाता है। नेक्स्ट लॉस ऑफ प्रोटॉन, तो कार्बोकैटायन जो कि AlCl4 एल्युमिनियम जो कि एल्युमिनियम ग्रुप है AlCl4, तो जो कि एक बेस के रूप में हम यहाँ पर एक बेस है, तो वो एक प्रोटॉन को अटैच कर लेता है, यानी जो इलेक्ट्रोफाइल है वो जो कार्बोकैटायन है वो एक प्रोटॉन को रिमूव कर देता है, जो कि एक फास्ट प्रोसेस है। यहाँ पर जो है फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है, जो कि एक अल्काइल बेंजाइल जो ग्रुप है जिसमें अल्काइल ग्रुप अटैच रहती है, तो जिससे हम कहते हैं कि जब एक बेंजीन में अगर हम एक अल्काइल ग्रुप अटैच होती है उसकी प्रिपरेशन करने के लिए हम फ्राइडल क्राफ्ट अल्कालेशन को यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, इसके कुछ यानी जो अल्काइल बेंजीन है जो फॉर्मेशन हुआ है तो उसके लिमिटेशन के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ड्यूरिंग अल्काइलेशन रीअरेंजमेंट ऑफ द अल्काइल ग्रुप्स ऑकर्स, यानी इसमें अल्काइल ग्रुप्स जब हम इस रिएक्शन होती है तब यहाँ पर अल्काइल ग्रुप्स जो है अल्काइल ग्रुप्स की भी रीअरेंजमेंट होती है। तो एग्जांपल क्या है, जैसे अल्काइलेशन ऑफ बेंजीन विद एन प्रोपाइल क्लोराइड टू गिव आइसोप्रोपाइल बेंजीन, तो अल्काइल ग्रुप की भी रीअरेंजमेंट होती है। जैसे यहाँ पर एन प्रोपाइल क्लोराइड है, तो एन प्रोपाइल क्लोराइड जब एल्युमिनियम टेट्राक्लोराइड से रिएक्ट होती है तो इसकी पॉजिटिव जो पार्ट है तो एन प्रोपाइल के साथ इस जो
इलेक्ट्रोफाइल अटैच होती है, अटैच होकर जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH2 है। तो ये रीअरेंजमेंट, ये जो अल्काइल ग्रुप है वो रीअरेंजमेंट होता है, जो CH2 यहाँ होना था वो नीचे आ जाता है एंड H वहाँ पर ही होता है, एंड AlCl3 यानी जो अल्काइल ग्रुप्स है वो नीचे आ जाता है, यानी वो रीअरेंजमेंट हो जाता है। नेक्स्ट हम उसके साथ जो इसे हम कहते हैं एनप्रोपाइल क्लोराइड, जब बेंजीन के साथ रिएक्ट होती है तो आइसोप्रोपाइलिन बेंजीन फॉर्मेशन होती है। तो उसके और एक लिमिटेशन है उसके बारे में देखेंगे। फ्रेडिल क्राफ्ट अल्कलेशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ पॉलिश सब्सट्रेट प्रोडक्ट एज द न्यू वन अल्काइल ग्रुप्स एक्टिवेटेड द रिंग टूवर्ड्स सेकेंड सब्सटिट्यूशन बाय द इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द रिंग ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी। तो एक टॉलिन जो कि अल्काइल बेंजीन है, जब उसे हम अल्काइल हैलाइड्स के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड जैसे AlCl3, तो जो है उसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बढ़कर वो अलग अलग प्रोडक्ट को फॉर्मेशन कर देती है, जैसे यहाँ पर ऑर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन एंड पैराजाइलिन फॉर्मेशन हुआ है। तो एक ही टॉलिन से तीन तीन अलग प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है, जो कि एक पॉलिश सब्सट्रेट प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे फ्रेडल क्राफ्ट असाइलेशन के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे अल्काइलेशन, अब हम देखेंगे असाइलेशन के बारे में। तो ये जो है अरोमेटिक कीटोन्स को फॉर्मेशन करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं, कीटोन ग्रुप को फॉर्मेशन करने के लिए इसे यूज़ करते हैं अरोमेटिक कीटोन्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है बेंजीन एसिड क्लोराइड के साथ अगर रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्राइड एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, तो जो कि एक अरोमेटिक कीटोन्स बनता है जिसे हम एसिटोफेनॉन कहते हैं। तो उसी तरह अगर हम बेंजीन को मिथाइल एसीटेट के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्राइड एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड तो एसिटोफेनॉन बनता है। तो पहले में HCl बाई प्रोडक्ट था, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड जिसे हम कहते हैं एसिटिक एसिड बाई प्रोडक्ट है। तो उसके मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोफाइल जो है जनरेट होना चाहिए, तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होने के लिए हमें क्या करेंगे, तो इस डेफिनेशन के जरिए आप समझ सकते हैं दी एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड्स रिएक्ट विथ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड टू फॉर्मेशन ऑफ एसिलियम आयन विच एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पर जो एसिड क्लोराइड है जब एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो एसिलियम आयन बनता है। तो ये जो है दोनों एसिलियम आयन है, तो जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर इसे यूज़ करेंगे। तो वही इलेक्ट्रोफाइल नेक्स्ट जो है बेंजीन के साथ रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करने के बाद जो कि एक स्लो प्रोसेस होकर जो कि एक कार्बोकैटाइन बनता है, जो कि रीअरेंजमेंट द्वारा ही वो स्टेबलाइज्ड होगा। नेक्स्ट वही जो कार्बोकैटाइन है वो एक प्रोटॉन को रिमूव करने के बाद जो कि उसके फाइनल प्रोडक्ट जो कीटोन ग्रुप्स है बेंजाइल कीटोन या फिर एरोमेटिक कीटोन फॉर्मेशन होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।